रही है, और हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट वीक में जो है हम एक नया ऑल टाइम हाई देख सकते हैं, देखने मिले हमें। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 22,200 से लेके 500 का जो एक राउंड नंबर है, 22,500 का, तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि मार्केट जो है 500 पॉइंट का या 400 पॉइंट का एक मूव हमें दे दे। तो मैंने ये ऑलरेडी कल के और परसों के एनालिसिस वीडियो में बताया था, एक पैटर्न मैंने फाइंड आउट किया है। और आज अगर देखेंगे तो ये जो हाई है, ये जो ओपनिंग है इस कैंडल का, इसके ऊपर मार्केट ने अभी तक क्लोजिंग नहीं दिया है। जो कि इसका अगर ओपनिंग प्राइस देखेंगे तो 22,053 है, तो इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया। हालांकि कोशिश की थी, मार्केट ने हाई लगाया था, 22,068 का हाई लगाया था, लेकिन क्लोजिंग जो है 22,040 का हमें मिला है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो क्लोजिंग 22,040 का हमें मिला है। तो ये वाला जो हाई जैसे मार्केट मंडे को निकालेगा तो एक काफ़ी बड़ा हमें एक मूवमेंट देखने मिल सकता है मंडे की मार्केट में। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट के कैंडलस्टिक क्या कह रहा है, आज मार्केट ने क्या किया, और हमारा जो कल का एनालिसिस वीडियो था उस हिसाब से हमारे लेवल्स ने कैसे काम किया, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे, तो ये मैंने क्लियरली जो है कल का एनालिसिस वीडियो में मैंने ये पूरा डिस्कस किया हुआ था कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट भी ओपन होता है तो मार्केट के पास ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड के लिए, तो मार्केट सीधे ही 22,000 के ऊपर मार्केट ने ओपनिंग दिया, और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर से एक अप मार्केट ने किया, और स्लो एंड स्टेडी जो है मार्केट ने ऊपर की साइड ही जो हायर लेवल्स थे उसको होल्ड करने की कोशिश की है। हालांकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो 22,070 का हाई लगा चुका है, यहाँ पे 67 का, और क्लोजिंग यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी नीचे दी है, लेकिन का ये ओपनिंग से थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग है, तो ये काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। और ये वाला जो पैटर्न मैंने फाइंड आउट किया था, ये वाला जो पैटर्न है ये मैंने फाइंड आउट किया था, इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है जो 22,141 का है, तो ये भी हमें कहीं ना कहीं मंडे के मार्केट में देखने मिल सकता है और मिलेगा। और जो ऑल टाइम हाई है ये भी हमें जल्दी देखने मिलने वाला है, तो रेडी हो जाइए एक ऑल टाइम हाई के लिए, निफ्टी के ऑल टाइम हाई के लिए, नए ऑल टाइम हाई के लिए। तो अभी अगर मार्केट मंडे के लिए जो है लेवल, जो ये तो लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, और ऊपर के साइड का भी अगर लेवल है तो ये वाला 22,141 ये लेवल हमारा इंटैक्ट रहने वाला है, अभी भी ये वैलिड है। तो हमें अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 22,000 होल्ड करता है और ऊपर साइड निकलने की कोशिश करता है, तो ये वाला जो 22,070 का जो हाई है इसके ऊपर ही हमारा बाइंग बनेगा, और हमारा जो टारगेट है ये फर्स्ट टारगेट 22,141 का ये हमारा होने वाला है। और हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ही ओपन हो। यहाँ पे अगर देखेंगे गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे आप तो 22,137 मतलब लगभग इस जोन के आसपास जो है, इस जोन के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब जो मैंने टारगेट प्रिडिक्ट किया हुआ है यहाँ पे उसी जोन के आसपास मार्केट अभी गिफ्ट निफ्टी जो है हमारा ट्रेड कर रहा है। तो सबसे बढ़िया यही होगा कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो और यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करें, ये वाला जो हाई है ये निकाले, तो ये वाला टारगेट हमें मंडे के मार्केट में देखने मिल सकता है, और हो सकता है कि इसके भी मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करे और 22,200 भी हमें देखने मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा बुलिश सेंटिमेंट मार्केट ने दिखाया है, और निफ्टी ने ये जो क्लोजिंग दिया है, और ये हाफ जो सेकंड हाफ था, इस सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में काफ़ी अच्छा स्पाइक आया था, लेकिन निफ्टी ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, लेकिन निफ्टी और फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा स्पाइक लगाया था। तो ये आपके लिए ऊपर की साइड का ये तो मेन लेवल है, अगर मार्केट
इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो लाइव मार्केट में जो है मैं लेवल्स प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। आपको ये राइट हैंड कॉर्नर में जो QR कोड दिख रहा है यहाँ पे, इसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे हम इंट्राडे के लिए जो लेवल्स होते हैं लाइव मार्केट में हम प्रोवाइड करते हैं, और लाइव मार्केट में सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ये सब चीज़ें जो है हम लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से लर्निंग पर्पज़ के लिए होती है। और अगर देखेंगे नीचे की साइड, अगर देखेंगे तो नीचे की साइड भी आपके पास लेवल है, तो जब तक ये डेलो ब्रेक नहीं करता है मार्केट, तब तक आप बेरिश नहीं हो सकते मार्केट के अंदर। अगर यहाँ से डेलो अगर ब्रेक करता है तो ये वाला जो सपोर्ट है मार्केट, एक बार फिर से ये टेस्ट कर सकता है। लेकिन जहाँ तक दिख रहा है सेंटिमेंट तो काफ़ी बुलिश दिख रहा है, तो नीचे आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है, होती मतलब दिख रही है कि नीचे की साइड प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन अभी 2 दिन का छुट्टी है, सैटरडे संडे, तो ओवरनाइट मार्केट में कुछ भी ग्लोबल सेंटिमेंट अगर चेंज होते हैं तो हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन भी हो। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी दिख रही है अपर साइड की दिख रही है। तो आपके पास नीचे के और ऊपर का जो लेवल है ये मेन इम्पोर्टेंट लेवल, तो ये आप ड्रॉ करके रख सकते हो। और नीचे की साइड के जो लेवल्स है ये भी मैंने ऑलरेडी कल के एनालिसिस वीडियो में भी और ये आज के एनालिसिस वीडियो में भी आपको जो दिख रहे हैं वही अभी तक इंटैक्ट है। तो नए ऑल टाइम हाई के लिए जो है सब लोग एक बड़ा धमाका देखने के लिए तैयार हो जाओ नेक्स्ट वीक में। तो चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में भी अगर देखेंगे तो वीकली कैंडल जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल हमें क्लोजिंग मिली है। और बैंक निफ्टी की अगर क्लोजिंग की हम बात करें तो 46,384 का हमें डेली में क्लोजिंग मिला है। और बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो अभी भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी अगर बुलिश होता है तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे जो है 48,000 तक हमें एक रैली देखने मिल सकती है नेक्स्ट वीक। तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल जो है हमें ऊपर की साइड में दिख रहा है। यहाँ पर एक रैली हमें लगभग 1200 से लेके सॉरी 1500 से लेके 1800 पॉइंट की एक रैली नेक्स्ट वीक हमें देखने मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी एक बुल रन के लिए फिर से एक बार तैयार हो जाइए। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट में क्या मार्केट ने आज किया और क्या मार्केट कौन से लेवल कल के लिए हमारे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस, कल जो एनालिसिस वीडियो मैंने बनाया था उसमें ये क्लियरली मेंशन किया था कि ये वाले ऊपर के लेवल हमारे लिए होने वाले, और नीचे की साइड अगर निकलता है तो ये वाले लेवल 45,000, नीचे का जो लेवल है 45,544, ये फर्स्ट टारगेट, 45,372 सेकंड टारगेट, और 45,150 ये हमारा थर्ड टारगेट होने वाला है। और ऊपर की साइड अगर देखेंगे तो ये वाला जो बुल रन रैली हमें कल देखने मिली थी यही मार्केट ने आज कंटिन्यू की है। और यहाँ पे हाई अगर देखेंगे तो 46,693 का, मतलब लगभग 700 का है लगा चुका है मार्केट, और वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली है। तो ये वाला जो लेवल थे मैंने कल के वीडियो में बताया था 46,526, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके लगभग आसपास हाई बना के फिर यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेस किया और फिर मार्केट ने ऊपर ही सस्टेन किया है। अगर बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे तो ओपनिंग प्राइस से मार्केट नीचे क्लोज दिया हुआ है, मार्केट ने थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया है, तो ये थोड़ा सा फ्लैट क्लोजिंग ही हम बोलेंगे। तो क्योंकि बैंक निफ्टी अभी तक रेंज में है, और अगर इंटरडे में हम बात करेंगे मंडे के ट्रेड सेटअप क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, तो अगर मार्केट इस लो के नीचे निकलता है तो इमीडिएटली सपोर्ट जो है मार्केट के पास ये 200 का है, तो यहाँ तक मार्केट एक बार आ सकता है। अगर इस लो को ब्रेक करता है जो कि 300 का जो लेवल है, इसे आप मार्क कर सकते हो, ये वाला जो लेवल है, एक मिनट, ये वाला जो लो है इसको ब्रेक करते ही आप एक पुट साइड का पोजीशन बना सकते हो। ये वाला लो अगर टूटेगा 46,300,
तो एक 200 तक का, 100 पॉइंट का एक जो है आप यहाँ तक एक स्कैल्प कर सकते हो। ये 200 की लेवल जो है यहाँ तक के लिए आप एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हो बैंक निफ्टी में। एक मिनट, ये 100 पॉइंट का एक आपको स्कैल्प मिलेगा। और यहाँ पे मार्केट फिर से क्या रिएक्शन देता है ये आपको देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन। तो प्रोबेबिलिटी तो इसकी भी थोड़ी कम ही दिख रही है कि नीचे फर्दर फॉल करे। अगर नीचे की साइड फॉल मिलता ही है हमें तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा मार्केट का ये होने वाला है 46,000। ये हमारा फाइनल टारगेट होगा 46,000, जो कि अगर फॉल होता है इस क्लोजिंग प्राइस से आज के 46,370 से लेके 46,000, मतलब ये 370 पॉइंट का एक फॉल हमें देखने मिल सकता है अगर 200 के नीचे मार्केट निकलता है, सपोर्ट अगर ब्रेक करता है ये वाला, क्योंकि ये वाला काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, तो इसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 46,500 के ऊपर, इसके अगर ऊपर 500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है और यहाँ पे 5-10 मिनट अगर सस्टेन करता है तो हम ऊपर की साइड पोजीशन बना सकते हैं। तो ऊपर की साइड में हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो है ये वाला होने वाला है, जो कि है 46,700 का, जो कि यहाँ से रिजेक्शन हमें आज देखने मिला है। तो अगर मार्केट, सबसे पहले अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे ये वाला जो हाई बना चुका है ये वाला 46,000, आप 500 का ही पकड़ के चलिए। जब तक 500 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है तो हम कोई बुलिश पोजीशन नहीं बनाएंगे। 500 के ऊपर अगर निकलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा ये 700 का होगा, ये जो हाई बना चुका है 46,700, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्लॉट करके रखा हुआ है, जो कि 800 का लेवल है, 822 का, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और मैं आपको थर्ड टारगेट भी बता देता हूँ अभी, थर्ड टारगेट 900 का होने वाला है, जो कि ये हाई है। ये वाला जो हाई है ये वाला हमारा होगा 900 का थर्ड टारगेट बैंक निफ्टी के लिए। ये हमारे अपर साइड के टारगेट होने वाले हैं। अगर गैप अप ओपन होता है और 500 के ऊपर ही ओपन होता है तो हमारे ऊपर के साइड के जो है ये वाले 400 पॉइंट का हमें एक गेन देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर नीचे की साइड आपको निकलता है या गैप डाउन ओपन होता है 46,200 के आसपास, तो 46,000 तक आप एक पुट साइड की एंट्री बना सकते हो। और फर्दर जो डाउनफॉल है अगर हमें मिलना देखने मिलता है तो इसके जो लेवल्स हैं ये मैं टेलीग्राम चैनल में लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा। और अगर मतलब ये जहाँ तक दिख रहा है ये भी बैंक निफ्टी के पास मूवमेंट अभी पेंडिंग है, तो हमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो मुझे दिख रही है वो अपर साइड की दिख रही है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का वीकली एनालिसिस था। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो, और इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, तो आपको आने वाले जो डेली एनालिसिस वीडियो हो या चाहे स्टॉक का एनालिसिस वीडियो हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे इन्वेस्टिंग हो, या कुछ पेनी स्टॉक्स के आइडियाज़ हो, तो उसके वीडियो जो है अब तक जल्द से जल्द सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे देखेंगे तो आप, यहाँ पे हम लेवल जो है मार्केट में प्रोवाइड करते हैं, और कुछ यहाँ पे हम कॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, बिल्कुल सीखने के लिए होते हैं आप सबके लिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आप देखोगे, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, तो ये मेरा चैनल का इंटरफेस है। ये आप इस चैनल से जुड़ सकते हो।
अकाउंट में ओपन हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो है ये मेरे चैनल का इंटरफेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आप इस चैनल से जुड़ के आप ये एनालिसिस वीडियोज वगैरह जो है ये आप यहाँ पे अगर देखोगे ये वाला, तो यहाँ पे ये डेली एनालिसिस वीडियो जो है यहाँ पे हम शेयर करते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और ये देखोगे कुछ हमने इंडिकेटर के जो है स्ट्रेटजी यहाँ पे शेयर किया हुआ है। और ये देखो यहाँ पे सुपर ट्रेंड का दिया हुआ है, और यहाँ पे एक सीक्रेट इंडिकेटर है जो स्कैल्पिंग में काम आएगा आपके। तो आप ये सब वीडियो जो है चेकआउट कर सकते हो, और कल का एनालिसिस वीडियो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि मैंने कौन से लेवल्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रोवाइड किए थे और क्या मेरा व्यू था और क्या मेरा टारगेट था, जो बिल्कुल सही तरीके से हमारा एनालिसिस जो है लेवल जो है एकदम सही तरीके से काम कर रहे हैं, बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो सुजनोल एनर्जी का मैंने यहाँ पे एनालिसिस वीडियो बनाया हुआ है, वेरोक इंजीनियरिंग का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ट्राइडेंट का अगर देखना चाहोगे आप, यहाँ पे मैंने ब्रेकआउट होने से पहले ही लेवल प्रोवाइड किए हुए थे। और जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाया था उसके दूसरे दिन से मार्केट ने एक बार लगभग 18 से 19% का जंप लगाया था, उसके बाद 10% का, उसके बाद 15% का। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये एनालिसिस वीडियो था। आप ये सब वीडियो जो है हैप्पीएस्ट पॉइंट का मैंने यहाँ पे दिया हुआ था, इथेनॉल इंडस्ट्रीज़ का मैंने एक मल्टीबैगर दिया हुआ है, इसके भी ये जो वीडियोज़ है आप चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।